अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं आपके साथ ईट वेल का गुलाब जामुन जो इंस्टेंट मिक्स होता है उसकी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है। ये इस तरह के पैकेट में आता है। ये देखिए, इस पे लिखा हुआ है ईट वेल गुलाब जामुन, और ये इंस्टेंट मिक्स होता है। इसमें हमें सारे इंग्रेडिएंट्स दिए हुए होते हैं। ये 200 ग्राम के पैकेट में आता है, और जो भी जितना भी कैसे बनाना है इसका सारा इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम ये रेसिपी को बनाएंगे। उसके लिए हमें 1 कप दूध, 2 कप चीनी और थोड़े से बादाम लिए हैं मैंने, वो टोटली ऑप्शनल है, और इलायची पाउडर है, वो हम बाद में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पैकेट ओपन कर लिया है और हम इसको एक बाउल में डाल देंगे। तो यहाँ पर हमें थोड़ा थोड़ा सा मिल्क ऐड करना है, और इसका एक हमें डो तैयार कर लेना है। बहुत ज़्यादा आटा जो है हमारा हार्ड भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, और इसे हम रख देंगे साइड में। तो यहाँ पर मैंने 2 कप शुगर ले लिया है, और 2 कप ही हम पानी डालेंगे, और हमें कोई थिक वाली चाशनी नहीं रेडी करनी है, नॉर्मल चाशनी ही हमें रेडी करनी है इसकी। तो यहाँ पर हमारी चीनी पिघल गई है, तो हम इसमें इलायची डाल देंगे, और यहाँ पर मेरे पास थोड़े से सैफ्रन थे तो वो भी मैंने ऐड कर दिया है। ये अगर आपके पास हो तो आप डालिए, वरना इसको स्किप कर देना। तो यहाँ पर हम इसे मिक्स कर लेंगे और साइड में रख देंगे, ये रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर जो हमारे आटा है गुलाब जामुन का, इसके हम छोटे छोटे से बॉल बना देंगे, लेमन साइज़ स्मॉल, ये आपके ऊपर है, डिपेंड करता है आपको कितने बड़े बनाने हैं। तो मैंने तो बहुत छोटे छोटे से बनाए, तो आप देखना आपको किस तरह से जमे उस तरह से आप बना लेना, और इसमें कोई भी क्रैक्स नहीं आने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने घी ले लिया है और इसे गरम कर लिया है। यहाँ पर हम छोटा सा गुलाब जामुन का टुकड़ा यहाँ पर डाल के देखेंगे हमारे ऑयल और जो घी है वो प्रॉपर गरम हुआ है या नहीं। तो ये बराबर है, तो अब इसमें हम जो हमारे गुलाब जामुन है वो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं सारे गुलाब जामुन ऐड करते जाऊँगी। ये देखिए माशाल्लाह, बहुत अच्छे से जो ऑयल है, घी है, वो बराबर गरम हो चुका है। तो ये अपने आप ही ऊपर आ रहे हैं, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें इसे चलाते रहना है साथ साथ में, ताकि ना ये जो कलर है ना वो सबका एक जैसा हो, किसी का कलर अलग ऐसा ना हो। तो इसीलिए बस हमें चलाते रहना। आपको मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए कितने अच्छे से इसमें कलर आना स्टार्ट हो गया है, और मैं आपको पास से भी दिखाते जाती हूँ कि हमें ऐसे ही कलर चाहिए। तो ये बन गया है, अभी रेडी हो गया है। तो यहाँ पर हमारी चाशनी भी रेडी है, इसे मैंने थोड़ा सा गरम कर लिया था, तो इसमें हम हमारे गुलाब जामुनों को ऐड कर देंगे, ये देखिए इस तरह से, और इसे हम थोड़े देर के लिए ढक के रख देंगे, लाइक आधे से 1 घंटे के लिए। और बाद में मैंने इसे एक ट्रे में ट्रांसफ़र कर लिया था। ये देखिए, ऊपर से सिर्फ मैंने थोड़े से पिस्ता और बादाम लगा दिए हैं, ये ऑप्शनल है, आपको लगाना है तो आप लगा देना, और मैं इसे आपको कट करके भी बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट ले ली है, और इसमें हम हमारे गुलाब जामुन को रख देंगे। ये देख सकते हो आप कितने बड़े गुलाब जामुन बने, मैंने कितने छोटे से बॉल्स बनाए थे। तो ये देखिए, हमारे डिलीशियस वाले गुलाब जामुन इंस्टेंट मिक्स के साथ रेडी हो चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बिना मत जाइएगा। थैंक यू।